तो अभी मुझे ये बताइए कि जैसे आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था, तो स्टार्ट के दिनों में आपको कुछ चैलेंजेस आए होंगे, या पेरेंट्स की तरफ से क्या रिएक्शन था आपका, या क्या सपोर्ट किया उन्होंने, तो किस तरह से था ये सब? मैं बताता हूँ आपको अपनी स्टोरी, जिससे जो नए ब्लॉगर्स हैं या बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं उनको, मतलब वो रिलेट कर पाएंगे अपनी सिचुएशन से। होता क्या था, जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं अगर अपने पेरेंट्स को बता रहा हूँ कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो उन लोगों के लिए चीज नई थी, तो उन लोगों को टेंशन रहती थी कि भाई मैं जॉब नहीं कर रहा, मैं अपना बिजनेस नहीं संभाल रहा और ये सब कर रहा हूँ, इंटरनेट पे बैठा हुआ हूँ लैपी लेके हर टाइम, तो उनको टेंशन काफी होती थी। वो मेरे को काफी बार डांटते भी थे, लेकिन और कभी कभी मैं फ्रेंड्स के साथ होता था तो फ्रेंड्स भी मेरे को बोल देते थे कि भाई क्या चल रहा है, इस सब में कुछ नहीं रखा। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हम सभी के साथ आते हैं। एक बार हुआ क्या, मेरा जैसे क्रिकेट नीश पे ब्लॉग था, तो यहाँ पे लोगों को इतनी अवेयरनेस तो नहीं है कि ब्लॉगिंग क्या होती है या किस तरीके से हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में करते हैं। तो मेरे को सुनने में आया था कि वो मेरे को कहता है, वो मेरे बारे में बोल रहा था कि अब तो IPL आने वाला है, अब तो उसके कमाने के दिन आ रहे हैं। तो मतलब आपको लोगों को इग्नोर करना होगा, लोगों को पता नहीं है और वो आपके बारे में बोलते रहते हैं, तो आप जो कर रहे हो आपको पता है कि आप ठीक कर रहे हो, तो फिर आप अपने काम पे ध्यान दो। और ये चैलेंजेस हम सभी के साथ स्टार्टिंग में होते हैं। तो इस मैं तो इग्नोर करता था, मेरे पेरेंट्स समझे हुए थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उन्हें बताता था कि मैं इस तरीके से कर रहा हूँ और इतना टाइम मेरे को लगेगा, मैं इस तरीके से आगे बढ़ूंगा। वो उन लोगों को मेरा समझाना मतलब मेन था, बाकी फिर किसी ने क्या बोला मेरे ने फिर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। राइट, एक्चुअली पेरेंट्स एक्चुअली हमेशा चाहते हैं कि जो ट्रेडिशनल चल रहा है जॉब या जो रेगुलर टाइप के बिजनेसेस है अगर वो करे तो ठीक है, लेकिन इस टाइप के जो नए नए जो आइडियाज़ हैं, जो जैसे ब्लॉगिंग या एफिलिएट मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग में, तो बहुत सारे ऑप्शन